जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके परिवार में सब कुशल मंगल से हो ऐसी कामना के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी को बहुत आसान बनाने के लिए हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ को लेकर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी प्रकार के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसे देख सकें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वीडियो की शुरुआत करें। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज के जो प्रश्न है ये एसएससी और जीडी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न ये रहा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों ये रहे, कोलकाता, मुंबई, मद्रास या फिर इलाहाबाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई, जहां पर कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था। ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों ये रहे, दादा भाई नौरोजी, हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने दो देश के राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का भी इन्होंने ही लिखा है और बांग्लादेश का भी इन्होंने ही लिखा है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से शुरू हुआ था। ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों ये रहे, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर पंजाब। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार, जहां से चंपारण जो ये आंदोलन था इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों ये रहे, 5 देश, 7 देश, 8 देश या फिर 10 देश। तो भारत की सीमा कुल 7 देशों से अटैच है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों ये रहे, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश, जहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों ये रहे, जनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जनेवा। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, हरित क्रांति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों ये रहे, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब, क्योंकि पंजाब में ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए सबसे पहले यहीं पे यह कानून लागू हुआ था। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, संविधान में ग्राम पंचायत का गठन संबंधित है। ऑप्शन देखिए हमारे सामने ये रहा, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 45। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 40। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों ये रहे, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 वर्ष, अर्थात राज्यकाल का जो समय काल है वो है 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न और आखिर प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने ये रहा, भारत का सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों, इस ऑप्शन हमारे ये रहे, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अशोक चक्र या फिर नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत रत्न,
भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को कहा जाता है और यह सबसे पहले श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।